ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ବା ଅଧିକାର ମିଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ଦାବି ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଦାବି ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ କୌଶଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପଟେଲ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଦାବି ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ପହଲେ ତ ଆପକୋ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଅର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେ ବି ଆପକୋ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ସାର୍, ଆପନେ ଓଡ଼ିଶା ଆପ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଏ ଅର୍ କଲ୍ ବି ଆପନେ ଓଡ଼ିଶା କେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଓଁ କେ ସାଥ ବହୁତ ସାରା ବାତଚିତ କିଆ ଅର୍ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଲ ବି ଥେ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବି ଥେ, ତ ଉନସେ କ୍ୟା ବାତଚିତ କିଏ ଅର୍ କୌନ୍ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେ ଉପର ଉନସେ ବାତଚିତ ହୁଆ ଅର୍ କୁଛ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିକଲା କ୍ୟା? देखिए, कल सुबह सुबह 10:30 बजे तमाम राजनीतिक दल और के कार्यकर्ता और कई सामाजिक संगठन मिलने आए थे। उन लोगों ने उड़ीसा राज्य के अंदर तमाम मुद्दे के उठाया और कल हमने भी उड़ीसा राज्य के कई अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की और कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। उड़ीसा राज्य के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को SEBC कहा जाता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, SEBC कहा जाता है। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अंदर ही, उच्च शिक्षा के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस बात को हमने 2020 फरवरी में हम लोग आए थे, फिर दोबारा हमने सितंबर में रिव्यू किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और तीसरी बार कल हमने उन्हीं अधिकारियों के साथ उड़ीसा राज्य के रिव्यू किया। उन लोगों ने फरवरी 2020 में भी कहा था कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, सितंबर 2020 में भी कहा कि मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, और फिर कल 1 सितंबर 2021 को इन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि हम उसको अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं। 1.5 वर्ष बीत गए और ये लोग आरक्षण देना चाहिए इस बात को एग्जामिन कर रहे हैं। आप समझिए कि जब SEBC की आप बात करते हो, जब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति, अगर उसका सामाजिक उत्थान करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके भविष्य को संवारना है, देश के मुख्य धारा में जब ले आना है, तो उसको जब तक आप शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, उसका सामाजिक प्रगति नहीं होगा। और आप कहते हो कि 50% सीलिंग है, चलो मैं आपकी बात मान लिया कि सीलिंग के कारण आप 27% आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन 11.25% 11.25% रिजर्वेशन उड़ीसा राज्य के पिछड़े वर्ग SEBC को देने में कहीं से उड़ीसा सरकार के पास संवैधानिक संकट या कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है। चलो 27% नहीं हो पा रहा है, लेकिन 11.2% आरक्षण पिछड़े वर्ग के छात्रों को तो निश्चित रूप से उड़ीसा सरकार को देना ही चाहिए। कल जो व्यापक सुनवाई हमने की, उसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा मुझे एक ये कागज उपलब्ध कराया गया, जिस पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा सरकार के तमाम अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। ये उड़ीसा पहला राज्य है जहां पर कि NCL सर्टिफिकेट बनाते समय एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जोड़ा जाता है, जहां पेरेंट्स के इनकम के बजाय परिवार का इनकम जोड़ा जाता है। इसमें सैलरी इनकम जोड़ने की बात कही गई है, एग्रीकल्चर इनकम बात करने की कही है। इस कागज के अवलोकन के बाद, इसको देखने के बाद, इसका परिशीलन करने के बाद, यह प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य के अंदर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शैक्षिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण ना दे करके मंडल कमीशन की मूल भावनाओं का गला घोंटते हुए
उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। ये एक बात है कि संविधान में उल्लेख है, संविधान में लिखा हुआ है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 27% आरक्षण देना चाहिए हर राज्य को, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर हामी भरी है, लेकिन अलग राज्य जो जब भर रहे, जब दे रहे हैं 27% आरक्षण, उड़ीसा नहीं दे रही है, तो संविधान में या नेशनल ओबीसी पिछड़ा वर्ग कमीशन के आईन या कानून में उसमें कुछ ऐसा कुछ है क्या जो राज्य अगर नहीं देगा आरक्षण 27% उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए, या कुछ आप कुछ कह सकते हैं उनको? देखिए, भारत संघीय व्यवस्था है और राज्य भी स्वतंत्र है, ये तो राज्य सरकार के भावना पर है कि वो क्या करना चाहता है। हम तो उड़ीसा राज्य के अंदर पिछले 1.5 सालों से सरकार के अधिकारियों से जब भी मेरी मुलाकात हुई, हमने एक ही बात कहा कि चलो 27% आरक्षण देने में अगर कहीं कानूनी अड़चन आपको है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीलिंग है, तो आप 11.25% तो आरक्षण उनको शिक्षा में दीजिए, कुछ तो भला करिए। चलो नहीं 27% लोगों को कुछ हो पा रहा है, तो 11.25% लोगों का कुछ तो होगा, उनका कम से कम सामाजिक और शैक्षिक आधार पर तो उनका NCL सर्टिफिकेट बनाइए, वो भी आप आर्थिक आधार पर बना रहे हैं। तो ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि किस प्रकार से उड़ीसा राज्य के अंदर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उनका सामाजिक और शैक्षिक उत्थान ना हो सके, वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगति ना कर सकें, इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। और एक बात है, यहाँ पे जो भी OBC या पिछड़े वर्ग कैटेगरी में जो भी लोग हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, और STSC को मिलाएं तो वो 90% से भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आरक्षण सीमा जो बोल रहे हैं सरकार, बार बार बोल रही है राज्य की सरकार कि 50% से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इसमें एक कैप लगा हुआ है, हम ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्य, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे कोर्ट में जाके उसके ऊपर उन्होंने उसको बढ़ा चुके हैं, ये भी उदाहरण सब है। तो इसके ऊपर अगर उड़ीसा भी करेगा कहीं पे कोर्ट में जाके, तो उसमें कोई अड़चन है क्या? देखिए, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, आप 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि उड़ीसा सरकार की मंशा आरक्षण देने की पिछड़े वर्ग को है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 27% में तो चलो संवैधानिक बाधा है, सुप्रीम कोर्ट का कैप है, ये है वो है, लेकिन 11.25% शिक्षा में आरक्षण तो तत्काल सरकार दे सकती थी, पहले भी देना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उड़ीसा बैकवर्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इससे भी सरकार के द्वारा फाइनेंस करना, जो पिछड़े वर्ग के जो छोटे मोटे लोन दिया जाता था वो भी उड़ीसा सरकार ने बंद कर रखा है। वो आत्मनिर्भर हो सके, जो पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं उनका उत्थान हो सके, आगे बढ़ सके, वो उनको भी ये छोटे छोटे काम भी जिसपे कि साल का 10-20-25 करोड़ रुपए खर्चा है, वो भी पिछड़े वर्ग के लोगों को के ऊपर उड़ीसा सरकार खर्च करने को तैयार नहीं है। कल स्टेट पिछड़े वर्ग कमीशन के अध्यक्ष वो भी आए थे, आपसे बातचीत किया, उनसे कुछ आपने बातचीत किया या कुछ उनसे पता चला कि क्यों ये सब दिक्कतें क्या सब आ रही हैं आरक्षण के बारे में? कल उड़ीसा सरकार के द्वारा जब हम लोग पिछली बार सितंबर में आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था, हमने भी कहा था, पूरा आयोग कहा था। हम लोगों के जाने के तत्काल बाद राज्य ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। उस गठन के बाद कल हमने अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी हम लोगों की सार्थक बात हुई। एक चीज़ संज्ञान में आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो यहाँ गठन हुआ है उसके पास सिर्फ जाति जोड़ने और घटाने का अधिकार है, क्षमता है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा है वो पिछड़े वर्ग की शिकायत को ले सकता है, उसका अगर कहीं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का राइट्स कहीं कम हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो उस प्रकार से उड़ीसा राज्य ने पिछड़े वर्ग के
अपने जो आयोग बनाया उसको वो कोई अधिकार नहीं दिया है, वो भी बहुत कम अधिकारों के साथ आयोग का गठन उड़ीसा सरकार ने किया है। सर तो सर इस जो हमारा जातीय स्तर का जो कमीशन है पिछड़े वर्गों के लिए और ये जो राज्य स्तर का कमीशन है, तो इसमें तो ये जो कमीशन है राज्य स्तर का, इनके पास कोई अधिकार नहीं है पिछड़े वर्गों के भले के लिए कुछ काम करने के लिए, तो ये कमीशन का मतलब क्या है? आप तो सदस्य हैं जातीय कमीशन के। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं और कि एक बस बना दिया गया, उनके पास सिर्फ जाति जोड़ने और घटाने का अधिकार है, और वो अगर पिछड़े वर्ग का राइट्स कहीं डिप्राइव हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर एक और सवाल है, यहाँ पे बार बार राज्य सरकार की तरफ से और पार्लियामेंट में भी जो यहाँ के सांसद हैं, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हैं, वहाँ पार्लियामेंट में बार बार वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जाति भित्तिक जनगणना हो उड़ीसा में, इसको लेकर वो अड़े बैठे हैं, लेकिन इधर वो बार बार यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है कि आप लोग अलग राज्य जैसे दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके वो 27% से ज़्यादा दीजिए या आप क्या आपको भी बढ़ा सकते हैं। ये दो बातें बार बार टकरा रही हैं, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। देखिए मुझे किसी राजनीतिक सवाल जवाब में नहीं है, से कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि उड़ीसा राज्य की सरकार अगर चाहे तो इनिशियली तुरंत तत्काल 11.25% शिक्षा में आरक्षण दे करके पिछड़ों का सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड SC BC लोगों का कुछ सामाजिक और शैक्षिक उत्थान कर सकती है, उनको आगे बढ़ा सकती है। सर लास्ट सवाल रहेगा कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उड़ीसा में, तो उनके अधिकार को मिलने के लिए आप यहाँ पे तो आपने सब आके बातचीत किया और देखा भी अभी भी हैं, तो जब फिर लौट जाएंगे तब उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे क्या? निश्चित रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दायरे में रह करके उड़ीसा राज्य के पिछड़े वर्ग के SC BC के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनका सामाजिक उत्थान हो, वो आगे बढ़ें, उसके लिए जितना संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसके तहत हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित तो आलोचना करुले जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल, एवं जहाँ से कहले जे ओडिशा रे किपर भाव पछुआ वर्गर जो लोक मैंने अच्छा से दीर्घ वर्ष धरिकी तक अधिकार वंचित अच्छा शिक्षा निजुक्ति क्षेत्र में सामानको संरक्षण वर्तमान सुधा गोटे परसेंट भी मिली नहीं, 11.2% बा 27% छाड़ू गोटे परसेंट भी मिली नहीं, से आहरी एने समीक्षा करते से तमाम विषय को लेकिन आलोचना कले किपर भाव एटी जो आर्थिक रोजगार आधार रे दिया जाउची संरक्षण दिया जाउची किंतु जो तांकर एवं ताकु नै कि से मध्य क्षोभ प्रकाश करचंत जे एमिति केमिति संभव हो पारुची, तबे आगकु सरकार एई पदक्षेप कोन नौचंती जो पछुआ वर्ग जो माने अछंती तांकु संरक्षण किपर भाबे मिलि परिबो, एवं आगोटे प्रमुख कथा मध्ये से कहिचंती जे किपर भाबे एठी जो पछुआ वर्ग फाइनेंशियल कमिशन अछि से मध्ये कोनोसे प्रकार आर्थिक सहायता जोगै पारु नै, किपर भाबे आत्मनिर्भरशील होइ परिबे जो माने पछुआ वर्गर अछंती, तणु या उपरे निहाती भाबे संवैधानिक अधिकार जहा रहिछि जातीय पछुआ वर्ग कमिशन रो ताकु नै कि से पदक्षेप नेबे बोली प्रतिश्रुति मध्ये दैचंती, तबे आमे आलोचना कर पुणि थर धन्यवाद देवाई चाहिए। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रवि नारायण प्रदीप्त महापात्र अर्गस्ट न्यूज।